उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सिगरेट पीने को लेकर एतराज करने पर दो गुटों के लड़कों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 6 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस हिरासत में लेकर इलाज कराया जा रहा है। रजा कॉलोनी में खड़े होकर सिगरेट पीने पर एतराज के बाद 2 दिन से सुलग रही चिंगारी सोमवार की रात में भड़क उठी। जिम में 2 गुटों के लड़कों में जमकर मारपीट हुई। 6 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। थाना किला इलाके की रजा कॉलोनी में हुए विवाद के बाद अस्पताल पहुंचे चंदन नगर निवासी रोहित का कहना है कि उनका भाई रजा कॉलोनी के एक जिम में जाता है। शनिवार को वह जिम से बाहर निकलकर सीएनजी पंप के सामने आकर सिगरेट पीने लगा। तब बिलाल, मुस्तकीम और उनके साथियों ने मारपीट की थी। आस पड़ोस के लोगों ने मामला शांत करवा कर समझौता करवा दिया था, लेकिन सोमवार को वो लोग जिम से जैसे ही फिर बाहर निकले, तभी बिलाल, मुस्तकीम और उनके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी, जिससे रोहित पुत्र राजवीर, आनंद और सागर को चोट आई है। वहीं दूसरे पक्ष के घायल बिलाल, मुस्तकीम और जिशान का कहना है कि जिम से बाहर आते वक्त रोहित, मोहित और सागर समेत उनके साथियों ने हमला किया था। मारपीट में दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर ले ली है। 6 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है।